हेलो स्टूडेंट वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदया एकेडमी वी आर नोदेन कलम से क्रांति इन टू वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास नाइन्थ दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग अर्थात हमारे आसपास पदार्थ आफ्टर हियरिंग द नेम ऑफ द चैप्टर द फर्स्ट क्वेश्चन विच मस्ट बी कम इन आवर माइंड इज दैट वाट इज मैटर पदार्थ क्या होते हैं यू नो दैट द साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी विज्ञान एक जिज्ञासा का विषय है तो इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को जब पढ़ रहे हो तो आपके मन में उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न उठने चाहिए यदि इस तरीके के आपकी जिज्ञासा है, लोग जानने की चीज़ों की इच्छा है तो आप सही ट्रैक पे हैं चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जैसा कि पार्ट का नाम ये कि पदार्थ हमारे आसपास पदार्थ तो पदार्थ क्या होता है पदार्थ क्या होता है कोई भी चीज़ जो स्थान घेरे और कोई भी चीज़ जो स्थान घेरे और उसका द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं ये डिफिनेशन कहीं बुक में आप ये लिखा हुआ भी पाएंगे कि कोई भी चीज़ जिसका आयतन हो और वो उसका द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाते हैं तो स्थान घेरना जो होता है स्थान स्थान घेरना किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है आयतन कहलाता है ठीक है किसी भी वस्तु द्वारा घेरा जाने वाला स्थान स्थान आयतन कहलाता है इसलिए आप स्थान घेर रहे वर्ड लिखिए या फिर आयतन वर्ड लिखिए दोनों का मतलब एक ही होता है तो मतलब पदार्थ की परिभाषा में दो वर्ड इंपॉर्टेंट है एक वर्ड है ये द्रव्यमान और दूसरा वर्ड क्या है स्थान घेरना इन दोनों वर्ड को आप याद कर लीजिए इसकी डिफिनेशन आप अपने से बना के भी लिख सकते हैं आप अपने चारों तरफ के वातावरण में कोई भी चीज़ देखिए वे सभी चीज़ इसी पदार्थ के कैटेगरी में ही आएंगी आ, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कुछ ऐसे चीज़ों का नाम बताइए जो पदार्थ न हो जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ आप जल के बारे में सोचिए जल मतलब पानी पानी क्या स्थान घेरता है यहाँ घिरता है आप ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का ग्लास का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेगा आप उसको बकेट में रखेंगे बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का इस पेशा के ऊपर उसका भार भी कुछ होता है उसका द्रव्यमान भी कुछ होता है तो ये तो पदार्थ हो गया कुर्सी कुर्सी जिस स्थान पर रखेंगे वो स्थान घेर लेगा उसका कुछ भार भी होता है तो ये भी पदार्थ है ऐसे किताब भी ऐसे पत्थर ऐसे ही मेरा हाथ है मैं यहाँ ऐसे रख रहा हूँ देखिए स्थान तो घेर रहा है और मेरे हाथ का कुछ वजन कुछ भार भी कुछ द्रव्यमान भी है इसलिए ये भी पदार्थ है अब अब आपसे बात किया जाए स्नेह स्ने में लव ये सब वर्ड क्या है स्नेह हो गया घृणा हो गई ठीक है आपके विचार जो हो गए हैं ये सब चीज़ ना तो स्थान घिरते हैं ना इनका कोई भार होता है तो ये पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आते हैं पदार्थ की कैटेगरी में वही चीज़ें आएंगी जो स्थान घेरे और साथ में साथ ही उसका द्रव्यमान हो आप इस डिफिनेशन को राइट डाउन कर लीजिए फिर पदार्थ के डिफिनेशन के आधार पर जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे आइए अब इस स्लाइड में पदार्थ की परिभाषा के आधार पर कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा चीज पदार्थ है और कौन पदार्थ नहीं है तो हम जानते हैं पदार्थ क्या होता है कोई भी चीज जो स्थान घेरे तथा उसका द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाता है अब यहाँ पे जो भी चीज़ आपको दिया हुआ है उसमें से ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो पदार्थ की कैटेगरी में आ जाएगा तो अब देखिए कुर्सी कुर्सी क्या है ये स्थान भी घिरता है ठीक है ये स्थान भी घिरता है और इसका कुछ भार भी होता है तो ये पदार्थ है वायु वायु भी स्थान घिरती है और उसका भी कुछ द्रव्यमान होता है जैसे आप वायु गुब्बारा के अंदर भरेंगे तो क्या हो जाएगा गुब्बारा के अंदर वो स्थान घेर लेता है तभी तो गुब्बारा फूल जाता है तो स्थान तो घिरता है उसका भार भी होता है आप गुब्बारा में वायु भरने से पहले आप उसका वजन ले लीजिए तो उसके बाद वायु भरने के बाद वजन लीजिए दोनों में आप डिफ्रेंस पाएंगे अर्थात वायु स्थान घेरती है तथा तो इसका द्रव्यमान भी होता है तो वायु भी क्या हो जाएगा पदार्थ हो जाएगा इसने 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 क्या है ये दोनों तो, तो स्थान घेरता है और न इसका कोई द्रव्यमान होता है तो ये पदार्थ नहीं है गंध गंध के बारे में भी जब इत्र की गंध भी डिस्कस करेंगे तो इस पॉइंट पाएंगे घिड़ा घिड़ा भी न तो स्थान घेरता है और न इसका कुछ द्रव्यमान होता है ये एक तरह की फीलिंग है ठीक है इसलिए ये क्या है पदार्थ नहीं है वैसे बादाम बादाम क्या होता है इसका कुछ वजन भी होता है और ये स्थान भी गिरता है तो ये भी क्या है पदार्थ है वैसे विचार विचार क्या है एक तरह का पदार्थ तो ये है नहीं क्योंकि ना तो स्थान गिरता है और न इसका कोई द्रव्यमान होता है शीत शीत ठंडी ये क्या है कोल्ड ये न तो स्थान गिरता है न इसका कोई द्रव्यमान होता है भी पदार्थ नहीं नींबू नीज्ञें ये स्थान भी घिरता है और इसका कुछ वजन भी होता है इसलिए यह भी पदार्थ है वैसे ही पानी पानी क्या करता है स्थान घिरता है जिस बर्तन में आप रखेंगे उसका आकार ले लेता ले है और उसका कुछ वजन भी होता है तो पानी भी क्या है एक तरह का पदार्थ है इत्र की गंध देखिए इत्र की गंध और गंध इन दोनों वर्ड पे आप डिस्कस करते हैं देखिए इत्र की गंध क्या है एक तरह का पदार्थ है क्यों इत्र की गंध एक तरह का पदार्थ है क्योंकि इत्र की गंध क्या है वह लिक्विड फॉर्म में होती है जब उसको हम स्प्रे करते हैं तो गैसियस फॉर्म में निकल के आती है गैस एक तरह का पदार्थ है इसलिए इत्र की गंध एक तरह का पदार्थ होगा इत्र की गंध एक तरह का पदार्थ होगा लेकिन यदि कल गंध वर्ड बोला जाए तो यह पदार्थ नहीं है क्यों क्योंकि ये गैसियस फॉर्म नहीं है लेकिन इत्र की गंध बोल दिया जा रहा है तो ये पदार्थ हो जा रहा है क्योंकि ये क्या होगी गैसियस फॉर्म में होगी और गैस क्या है वह स्थान भी घिरती है और उसका कुछ दबमान भी होता है इसलिए ये पदार्थ और गंध पदार्थ नहीं अर्थात कैटेगरी में कुर्सी वायु बादाम नींबू पानी और इत्र की गंध हमारी क्या हो जाएंगी पदार्थ हो जाएंगे और बाकी चीजें पदार्थ नहीं है आइए अब इस स्लाइड में पदार्थ के कुछ भौतिक एवं अभिलाक्षणिक गुणों को समझने का प्रयास करते हैं जिससे हमें पदार्थ की संरचना को समझने में मदद मिलेगी पदार्थ का पहला गुण क्या है पदार्थ छोटे छोटे कड़ों से मिलकर बना होता है ये कड़ इतने सूक्ष्म इतने छोटे होते हैं कि इनकी कल्पना भी, भी हमारी इनकी संरचना भी हमारी कल्पना से परे होती है और इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं मतलब पदार्थ की जो संरचना होती है वो सतत नहीं होती जैसे लकड़ी को देखें तो ऑन द सर्फिस लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ सर्फिस लेवल देखो तो क्या होगा लकड़ी की जो संरचना होती है वो सतत होती है कंटिन्यूस होती है बट यदि बालू की संरचना देखें तो बालू को आप यदि नग्न आँखों से मतलब कि खुली आँखों से भी देखेंगे तो क्या होगा कड़ों से मिलकर बना हुआ लगता है उसमें कड़ अलग अलग पार्टिकल दिखाई देते हैं बहरहाल जो लकड़ी भी है वो भी कड़ों से मिलकर ही बना होता है वह भी एक तरह का पदार्थ थी परंतु यदि सर्फेस लेवल बात करें हम एटम लेवल बात नहीं करते हैं तो उसकी संरचना क्या दिखती है हमें बाढ़ से देखने में नग्न आँखों से सतत है जबकि ऐसा चीज ऐसा बालू में नहीं है बालू की संरचना में हम आसानी से समझ सकते हैं कि वह कड़ों से मिलकर बना होता है पदार्थ भी वैसे ही कड़ों से मिलकर बने होते हैं पदार्थ के पहला जो अभिलाक्षणिक गुण है उसको मैं बोर्ड पर लिखा हुआ हूँ इसको आप पढ़ लीजिए अब देखिए अब पदार्थ की की जो संरचना है जिन कड़ों से मिलकर बने होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें हम नग नग्न आँखों से देख भी नहीं सकते हैं तथा उनकी संरचना हमारी कल्पना से परे इसको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए हम चार बीकर ले लेते ले ले हैं और चार टेस्ट ट्यूब अर्थात परख नली ले लेते ले ले हैं बीकर वन में हंड्रेड एम वाटर लेते हैं और उस हंड्रेड एम वाटर में हम पोटेशियम पर की दो या तीन क्रिस्टल को ऐड कर देते हैं और कुछ समय के लिए हम पर जो हमारी पहली बीकर वन है उसको हम छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कुछ समय के बाद जो पानी उसमें जो हम जल लिए हुए हैं हंड्रेड एम वो रंग वो क्या हो जाता है रंगीन हो जाता है क्योंकि जल रंगीन होता है कलरलेस होता है उसमें जिस चीज़ को हम डालेंगे वो उसके कलर को एक्वायर कर लेता है तो रंगीन हो जाएगा फिर हम क्या करते हैं अब इसमें से जो मेरा रंगीन हुआ है जल इसमें से हम दस एम जल परक्ट नली वन में टेस्ट टिस्टू वन में लेते हैं और यहाँ पे जो हमें कलर ऑब्जर्व होगा जो रंग ऑब्जर्व होगा वो अत्यधिक गाढ़ा रंग का होगा ठीक है और बीकर के कम्पेरिजन में समझते हैं इसको अब दस एम एल यहाँ इसमें से पानी ले लेते हैं और दूसरे मेरे दूसरा जो बीकर उसमें नाइन्टी एम पहले से पानी है इसमें से जो टेन एम हम पानी यहाँ से निकाल रहे हैं उसको भी हम इस वाले बीकर में ऐड कर लेते हैं जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो कुछ समय पश्चात हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका भी कलर रंग रंगीन हो जाता है परंतु जो इसका कलर होगा इसके कंपेरिजन में फेडेड होगा फेडेड अर्थात इससे कम गाढ़ा होगा फिर क्या करते हैं हम अब देखिए फिर यहाँ से फिर हम दस एम एल वाटर लेते हैं और दूसरे मेरे बीकर नंबर थर्ड में जहाँ पे नाइन्टी एम एल वाटर लिए हैं इसको दस एम एल वाटर को इसमें ऐड कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कुछ समय पश्चात ये भी कलरफुल हो जाएगा परंतु इसका जो कलर होगा इन दोनों के कंपेरिजन में फेडेड होगा अर्थात इन दोनों के कम्पेरिजन में कम गाढ़ा होगा अब इसको हम इस वाले में ऐड कर दिए अब इस वाले में ऐड करने के पश्चात हम कुछ समय के लिए इसको छोड़ देंगे तो फिर ये भी रंगीन हो जाएगा जल परंतु इसका रंग इन दोनों के कंपेरिजन में कम होगा फिर यहाँ से दस एम एल जल लेंगे इस वाले ट्यूब में फिर यहाँ से दूसरे जो मेरा फोर्थ नंबर बीकर उसमें ऐड कर देंगे तो ये भी कलरफुल जाएगा इस तरीके से हम देखते हैं चारों चारों हम जो बीकर लिए हैं उसका जल कलरफुल रंगीन तो हो गया परंतु इन इन इनके जो कलर में रंग आ रहा है उसमें हम एक चीज़ देखते हैं ये अत्यधिक गाढ़ा है ये उससे कम गाढ़ा है ये हल्का गाढ़ा है ये सबसे कम गाढ़ा है अर्थात तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इस तरीके का मेरा क्रम बन जाएगा ये सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा उससे कम ये गाढ़ा होगा उससे कम ये गाढ़ा होगा सबसे कम ये वाला गाढ़ा होगा अर्थात यहाँ हम क्या किए थे दो या तीन क्रिस्टल ऐड किए थे पोटेशियम पर का ठीक है अब देखिए वही क्रिस्टल क्या हो गए छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होकर इस पूरे हमारे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जिसकी वजह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जिसकी वजह से इसमें कलर ऑब्जर्व होता है जो कलर ऑब्जर्व होता है बहुत गाढ़ा होता है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन का होता है परंतु जब इसमें से ये दस एम वाटर लेकर इसमें हम डालें तो दस एम वाटर में जो मेरे पोटेशियम परमग्नेट के कड़ आएंगे <coughs> वही कड़ इसमें आएंगे इसमें आने के पश्चात क्या होंगे वो फिर से अब डिवाइड होंगे और फिर से डिवाइड होने के पश्चात क्या हो जाएगा इसको पूरा कलर प्रोवाइड करा देगा और एक रंगीन वाटर हो जाएगा तु... और यहाँ से फिर हम दस एम एल ले कर इसमें डालते हैं दे देख रहे हैं यहाँ पे कल जो हैं कुछ डिवाइड हुए इस वाले में और डिवाइड हुए इस वाले में और डिवाइड हुए इस वाले में और डिवाइड हुए अब इसको हम इस ऐसे ही इस, इस प्रोसेस को हम कई बार लेते चले जाएंगे तो हम देखते हैं कि कलर जो है ये भी कलरफुल होगा ये भी कलरफुल होगा ये भी कलर सभी बिक्रे में जो है कलर आएगा परंतु उसमें जो कलर की मात्रा होगी वह कम होती जाएगी अर्थात पदार्थ जिन कड़ों से मिलकर बना होता है वे कड़ इतने सूक्ष्म होते हैं कि बार बार डिवाइड हो रहे हैं अब कि सूक्ष्म कड़ों से मिलकर बने होते हैं इनकी संरचना हमारे कल्पना से भी परे हैं तो इस संरचना हमारी कल्पना से परे हैं इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध होता है क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ा होगा ये इससे कम गाढ़ा होगा ये उससे भी कम गाढ़ा होगा ये इससे भी कम गाढ़ा होगा इसके बाद इसी प्रोसेस को कैरी ऑन करेंगे तो इस तरीके से हर एक बीकर का जो कलर ऑब्जर्व होगा पहले वाले बीकर के कंपेरिजन में वो फेडेड होगा अर्थात पदार्थ जो जिन कड़ों से मिलकर बना होता है वे कड़ बार बार विभक्त हो रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होते चले जा रहे हैं जिससे ये सिद्ध हो जाता है आप इसको राइट डाउन कर लीजिए फिर हम बढ़ते हैं पदार्थ के दूसरे गुण की तरफ आइए पदार्थ के दूसरे गुण को समझने का प्रयास करते हैं पदार्थ का दूसरा गुण क्या है पदार्थ के कड़ों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है पदार्थ के कड़ों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है मतलब पदार्थ के कड़ों का जो अरेंजमेंट हुआ कुछ इस टाइप का होगा के जो कड़ होंगे एकदम पास पास नहीं होंगे उनके बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है ठीक है पदार्थ के कड़ों के मध्य में इसी को बोलते हैं रिक्त स्थान पाया जाता है अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे आप एक चीज़ घर पे हमेशा करते आए होंगे परंतु उस चीज़ को आप ऑब्जर्व नहीं किए होंगे एक गिलास में हम पानी लेते हैं जब उसमें हम शरबत बनाने के लिए शिकंजी बनाने के लिए नींबू और शक्कर या फिर नमक को घोलते हैं तो हम देखते हैं कि नींबू और नमक या फिर चीनी को घोलने के पश्चात मान लेते हैं पहले घोलने के पहले पानी का स्तर ये जो ब्लैक मार्कर चला हुआ है यहाँ तक है उसके पश्चात जब इसमें हम चीनी या फिर नमक को घोल देते हैं और उसके बाद हम पानी को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं ताकि पानी स्थिर अवस्था में आ जाए तब भी हम देखते हैं कि जो हम नमक या चीनी मिलाने से पहले मार्ग किए रहते हैं जल का स्तर नमक और चीनी मिलाने के पश्चात भी जल का स्तर उतना ही बना रहता है तो हम जो चीनी या नमक मिला रहे हैं वो कहाँ जा रहा है पा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन क्या है कि जो कहा जा रहा है वह इन पदार्थ कड़ों के मध्य में जो रिक्त स्थान पाया जाता है वो उन्हीं के बीच जाके बैठ जाता है जैसे ये पदार्थ के कड़ हैं इनके बीच में रिक्त स्थान पाया जा रहा है तो जो चीनी के कड़ या नमक कड़ होंगे वो जाके इनके बीच के स्पेस को ही आकूपाई करेंगे अब इसके बीच के ही स्पेस को वो आकूपाई कर रहे हैं इसी वजह से हमारे जो जल का लेवल है जल का स्तर है बढ़ नहीं रहा है परीक्षा में ये प्रश्न भी आता है कि जब हम ग्लास में या फिर बीकर में नमक या पानी नमक को पानी में या चीनी को पानी में घोलते हैं तो जल के स्तर में वृद्धि नहीं होती है यह पदार्थ के कुछ किस गुड़ की वजह से होता है तो यही उसका आंसर होगा पदार्थ कड़ों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है इसी गुड़ की वजह से जब हम नमक या चीनी को पानी में घोलते हैं तो जल के स्तर में वृद्धि नहीं होती है आप इसको राइट डाउन कर लिए कर लीजिए फिर हम बढ़ते हैं पदार्थ के तीसरे गुड़ की तरफ आइए पदार्थ के कुछ अन्य गुड़ों को भी देख लेते हैं तीसरा गुण पदार्थ का है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात पदार्थ के कण जो होते हैं वो हमेशा गति में रहते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा मूव करते रहते हैं और पदार्थ का चौथा गुण क्या है पदार्थ एक कर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं पदार्थ एक कर निरंतर गतिशील होते हैं इसको कैसे समझने का प्रयास करते हैं आप अगरबत्ती को एक कमरे के एक कॉर्नर पर जला दीजिए और आप कमरे के दूसरे कॉर्नर पर खड़ा हो जाइए तो आप देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात अगरबत्ती की जो सुगंध है वो कमरे के एक कॉर्नर से होकर दूसरे कॉर्नर पे पहुंच जा रही है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि अगरबत्ती के जो कण हैं वो क्या है पदार्थ हैं वो क्या हैं गतिशील हैं गतिशील होने की वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको उसकी सुगंध महसूस होती है आपने कभी देखा है जब घर में खाना वगैरह बनता है तो जो उसकी गंध होती है आपको दूर बैठे अन्य कमरे तक पहुंच जाती है क्यों क्योंकि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और ये गतिशीलता आती कहाँ से है गतिज ऊर्जा की वजह से आती है यही कारण है कि जो ठंडे खाने होते हैं उनकी गंध आप तक तो नहीं पूछ पाती जो गर्म खाना होता है उसकी गंध आसानी से आप तक पहुँच पाती है क्योंकि जब खा खाना गर्म होता है तो उस समय जो उसके पदार्थ कण पाए जाएंगे जो भी उसमें से बाहर निकल रहे हैं उनमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी ऊर्जा जाने की वजह से वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे जिसकी वजह से उसकी गंध दूर तक आसानी से पहुंच जाती है आप भी देखते होंगे कि जब आप एक बीकर लीजिए उसमें आप दो बूंद नील डाल दीजिए या फिर दो बूंद दो क्रिस्टल डाल दीजिए पोटेशियम और मैगनेट का देखते हैं तो कुछ समय के पश्चात पूरा वाटर पूरा वाटर ही कलरफुल हो जाता है ये क्यों हो पा रहा है क्योंकि पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं गतिशीलता है की वजह से ही वो पूरा वाटर जो है मेरा कलरफुल हो पाता है पदार्थ के कड़ों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ये गुड़ में यदि हम बात करें तो ये जो आकर्षण बल पाया जाता है सर्वाधिक ठोस पदार्थों में पाया जाता है फिर गैस पदार्थ फिर द्रव पदार्थों में पाया जाएगा फिर गैस पदार्थों में पाया जाता है क्योंकि जो ठोस पदार्थ के कड़ों की संरचना होती है कुछ इस तरीके से होती है ठोस पदार्थ के कड़ एक दूसरे के बहुत काफ़ी पास पास होते हैं जिसकी वजह से उनके बीच पाया जाने वाला आकर्षण बल जो होता है बहुत अधिक होता है ये ठोस पदार्थ हो जाएगा यदि हम बात करें द्रव पदार्थ द्रव पदार्थ कड़ो के बीच में थोड़ा गैप पाया जाता है द्रव पदार्थ कड़ थोड़ा दूर दूर होते हैं अब गैस पदार्थ की बात करें तो गैस पदार्थ यदि कुछ इस तरीके से सहसन है जैसे कड़ बहुत दूर दूर होंगे ठीक है इस तरीके से पदार्थ के कड़ों के मध्य में पाए जाने वाला आकर्षण बल ठोस पदार्थों में सर्वाधिक होता है द्रव पदार्थ में इससे तुलना में कम होता है तो तथा तो गैस पदार्थ में ठोस और द्रव दोनों की तुलना में सबसे कम होता है आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ तब तक तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इसे अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करें ताकि हमारी पहुँच अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हो सके थैंक यू थैंक यू सो मच